हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, मैं फिजिकल एजुकेशन की चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करा रही हूँ, जिसमें से चैप्टर है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यानी शरीर रचना विज्ञान एवं क्रिया विज्ञान, जिसमें से टॉपिक है सेल्स एंड ब्लड यानी कोशिका एंड रक्त से रिलेटेड एंड तंत्रिका कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पे सभी वीडियोज सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो भी बिल्कुल फ्री में दोस्तों। एंड 100 से ज़्यादा वीडियोज प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज के बनाए गए हैं और डेली बेसिस में चैप्टर वाइज एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करा रही हूँ। तो बने रहिए मेरे चैनल पे डेली बेसिस पे अच्छे तैयारी के लिए। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, आज का प्रश्न है कि रेखित पेशियों यानी स्ट्रेटाइड मसल्स का संकुचन का काम है। तो जो रेखित पेशियां होती हैं, जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं, तो उसमें संकुचन कैसे होता है? दोस्तों, उसमें जो संकुचन होता है, तो उसमें दो फिलामेंट्स होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन पतला फिलामेंट होता है यानी कि थिन फिलामेंट होता है, और मायोसिन जो होता है मोटा फिलामेंट होता है यानी कि थिक फिलामेंट होता है। एक्टिन में ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन नाम का प्रोटीन होता है। तो जो एक्टिन होता है, एक्टिन छड़ों का मायोसिन छड़ों पर खिसकने से हमारी रेखित पेशियां जो होती हैं, स्ट्रेटाइड मसल्स जो होती हैं, वह संकुचित होती हैं यानी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, मानव के वायुनाल में स्थित पश्चमाभिक एपिथिलियम का कार्य होता है। इसका कार्य होता है म्यूकस को बाहर धकेलने के लिए। नेक्स्ट है, तंत्रिका कोशिका जिसे नर्व सेल कहते हैं, भ्रूण की किस स्तर यानी एम्ब्रियोनिक लेयर से बने होते हैं? तो दोस्तों, भ्रूण के तीन स्तर होते हैं, एंडोमोर्फ, एक्टोडर्म, मिसोडर्म, एंडोडर्म। उसमें से यह एक्टोडर्म से उत्पन्न बनते हैं तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट है, निम्न में कौन ऊतक है यानी टिश्यू कौन है इसमें से चारों में से? तो जो रुधिर है क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है, आपको पता है। नेक्स्ट है, स्तन की ग्रंथियां होती हैं, तो ये एपोक्राइन होती हैं। नेक्स्ट है, अभिवाही तंत्रिका तंत्र उत्तेजना ले जाता है यानी अभिवाही का मतलब है इफ्रियंट यानी कि जो मोटर नर्व होती हैं, जैसे कि जो नर्व होती हैं मोटर नर्व एंड सेंसरी नर्व एंड इंटरमीडिएट नर्व होता है, जिसमें से जो मोटर नर्व अभिवाही होती है वह क्या होता है? सूचनाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से प्रभावी अंग में ले जाता है। अब यहीं पे अपवाही पूछता तो आपका प्रभावी अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक ले जाता, ये हो जाता, आप इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, हृदय पेशी ऊतक रेखित होते हैं तथा ये होते हैं। तो दोस्तों, हृदय पेशी अनैच्छिक है बट उसकी संरचना जो है रेखित की तरह है। तो हृदय पेशी जो अनैच्छिक है, हमारी इच्छा अनुसार तो काम करता नहीं, हम सोएंगे चाहे कुछ भी करेंगे हमारा हृदय धड़कता रहता है। तो जो हृदय पेशी है वह अनैच्छिक है बट और रेखित की तरह उसकी रचना है, जो इसमें सही होगा अनैच्छिक एवं कुछ एक या दो केंद्रकीय। नेक्स्ट है, रेनवियर के नोड कहाँ स्थित होते हैं? यह एक्सॉन में स्थित होता है। नेक्स्ट है, हृदय पेशियां संकुचित होती हैं कैसे? दोस्तों, हृदय पेशियां क्या कभी थकती हैं? नहीं। अगर ये थक जाएंगी, मान लीजिए मृत्यु हो गया, जिस दिन थकी धड़कना बंद की हमारी मृत्यु हो गया, तो क्या होगा? सबसे पहले तो अब इस पॉइंट को पकड़ेंगे, जहां थक जाती है वो तो सीधे गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और डी सीधे गलत हो जाएगा। दो ऑप्शन है सिगता से, बी और सी। बी है सिगता से एवं थकता नहीं, सी है धीरे धीरे एवं थकती नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों, यह संकुचित होती है धीरे धीरे और थकती नहीं है,
ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जबकि जो हमारी रेखित पेशियां होती हैं, जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं, वो थक जाती हैं, उसमें लैक्टिक एसिड बनता है। जबकि जो अनैच्छिक पेशियां और हृदय पेशियां जो होती है, उसमें लैक्टिक एसिड नहीं बनता है, यानी वो लोग नहीं थकते हैं, वे पेशियां नहीं थकती हैं, ठीक है। इस प्रकार हम समझे, जो हृदय पेशियां होती हैं वो धीरे धीरे संकुचित होती हैं और थकती नहीं है। नेक्स्ट है अरेखित पेशियां, यानी कि अनस्टेटॉयड मसल्स कहाँ मिलती हैं। जैसे कि दोस्तों अरेखित यानी कि अनैच्छिक पेशियां जो हमारे इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती हैं, जैसे हमारे आंतरिक अंगों में पाई जाती हैं, जैसे हमारा मूत्राशय, आहार नाल, वायु नाल, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सब में पाई जाती है। तो ये सभी आपका हो जाएगा अरेखित पेशियों के अंतर्गत। नेक्स्ट है एंटीबॉडीज होती है, क्या होती है। तो एंटीबॉडीज एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो हमारे जीवाणुओं बैक्टीरिया से रक्षा करती है शरीर की। नेक्स्ट है दोस्तों पेशीय संकुचन यानी कि मस्क्यूलर कंट्रक्शन में ऊर्जा स्रोत होता है। तो दोस्तों मुख्य ऊर्जा स्रोत होता है हमारे पेशियों के सिकुड़ने में एटीपी, ठीक है। एटीपी खत्म, तो हम एटीपी खत्म होते ही लैक्टिक एसिड बनने लगता है और हम थक जाते हैं। नेक्स्ट है यदि लाल रुधिराणु यानी कि रेड ब्लड सेल्स, जिसे हम इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, यानी यदि लाल रुधिराणु यानी इरिथ्रोसाइट्स को 8% नमक के घोल में रखे तो यह क्या हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा, ठीक है। नमक के घोल में रखे तो यह क्या हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा। नेक्स्ट है तंत्रिका कोशिका यानी कि जो नर्वस टिश्यू होता है उसका विभाजन होता है, असमसूत्री विभाजन कि समसूत्री विभाजन कि एमाइटोसिस कि इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ी बात आपको ध्यान में ये रखना है कि जो तंत्रिका कोशिका होती है उसमें विभाजन नहीं होता है। और सबसे तेज विभाजन किसमें होता है, तो हमारे यकृत यानी लीवर में होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो तंत्रिका कोशिका का विभाजन होता है तो इनमें से कोई नहीं सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है मानव के लाल रुधिराणु अकेंद्रीय होते हैं, क्यों क्यों होता है। जैसे कि जो हमारा लाल रुधिराणु यानी कि जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है, उसमें केंद्रक नहीं होता है, आपको ये ध्यान रखना है, वो केंद्रक विहीन है। क्योंकि क्यों है, क्योंकि यह केंद्रक परिपक्वन के समय समाप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है रुधिर में थक्का यानी कि ब्लड कोक्लोट जमने में कौन सहायक होता है, तो यहाँ पे थ्रोम्बोसाइट जिसे प्लेटलेट्स बोलते हैं, यह हमारे रुधिर को थक्का बनने में मदद करता है। नेक्स्ट है हृदय पेशी यानी कि कार्डियक मसल्स होती है, कैसी होती है दोस्तों। सबसे पहले तो ये अनैच्छिक होती है, हमारे इच्छा अनुसार काम नहीं करती है, अपने आप काम करती है, ठीक है। तो यहाँ भी आपका हो जाएगा, ये होती है अनैच्छिक, हमारे इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती है, बट इसकी बनावट जो होती है वो रेखित की तरह होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, रेखित एवं अनैच्छिक, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है इनमें से कौन अनिश्चित आकार का होता है, तो इसी जो पेशी तंतु होती है वो अनिश्चित आकार का होता है। नेक्स्ट है रुधिर एवं कोशिकाओं यानी ब्लड एंड सेल्स में रासायनिक लेन देन किसके द्वारा होता है, तो यह रासायनिक लेन देन होता है ऊतक के द्वारा। नेक्स्ट है लिगामेंट्स जोड़ते हैं, एक क्वेश्चन बहुत वीडियो में रिपीट हो चुका है, इसका सही आंसर आप दे दिए होंगे। लिगामेंट्स जो है दो अस्थियों को जोड़ों पर जोड़ता है, कहाँ जोड़ता है, दो अस्थियों को जोड़ों पर जोड़ता है लिगामेंट्स। वही टेंडन पूछेगा तो टेंडन किसको जोड़ते हैं, पेशियों को अस्थियों से जोड़ने का काम करता है टेंडन, और अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने का काम करता है लिगामेंट्स। नेक्स्ट है एंटीबॉडीज किसके विरुद्ध शरीर की सुरक्षा करती हैं, तो जो एंटीबॉडीज होता है, जो भी हमारे शरीर में संक्रमण होता है, खराब बैक्टीरिया जाते हैं, उन सब से हमारी रक्षा करता है कौन, एंटीबॉडीज। तो यह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, संक्रमण से यह सुरक्षा करता है। नेक्स्ट है रुधिर को थक्का जमने के लिए क्या आवश्यक है, तो दोस्तों आपको यह ध्यान में रखना है कि रुधिर में थक्का जमने के लिए इस प्रश्न में विटामिन के तथा कैल्शियम आवश्यक होता है, लेकिन अगर ब्लड में पूछेगा तो
थ्रोम्बोसाइट्स एंड फाइब्रिनोजन, यकृत में प्रोथ्रोम्बिन एंड ब्लड में पूछेगा तो थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट्स, अगर यकृत में पूछेगा तो प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन, और रासायनिक तत्वों में पूछेगा तो विटामिन के एंड कैल्शियम, यह हमारे रक्त के थक्का जमने में सहायक होता है। नेक्स्ट श्वेत रुधिराणु यानी कि आरबीसी का विभाजन होता है, अर्धसूत्री की समसूत्री की दोनों की कोई नहीं, इसमें कोई नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है घाव यानी कि उंड के स्थान पर श्वेत रुधिराणु यानी डब्ल्यूबीसी की इकट्ठा होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, हीमियोस्टेसिस, क्या बोला जाता है, हीमियोस्टेसिस। नेक्स्ट है यकृत यानी कि लीवर में भक्षाणु कोशिकाएं होती है यानी कि फाइगोसेटिक सेल होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कुफर कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रुधिर तथा उत्तक द्रव यानी कि ब्लड एंड टिश्यू फील्ड में विनिमय यानी एक्सचेंज किसके द्वारा होता है, तो यह होता है अंतराली द्रव के द्वारा। नेक्स्ट है सक्रिय प्रतिरक्षा यानी कि एक्टिव इम्यूनिजेशन का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है सक्रिय प्रतिरक्षा का कि किसी रोग के बाद अधिक अवरोध सामर्थ्य, ठीक है, आप किसी रोग से उभर रहे हैं तो बहुत जल्दी से आप रिकवर हो जाएं, वो सामर्थ्य होता है सक्रिय प्रतिरक्षा का। नेक्स्ट है निसल कड़ कहाँ मिलते हैं, तो निसल कड़ जो होता है तंत्रिका कोशिका में मिलते हैं। नेक्स्ट है मानव के लाल रुधिराणु यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है, तो 120 दिन का होता है, ठीक है, यहाँ पे 120 से 127 दिन दिया है, ये आपका सही रहेगा। वहीं डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 3 से 5 दिन, प्लेटलेट्स का जीवन काल 10 से 12 दिन होता है। नेक्स्ट रुधिर उत्पादक उत्तक होता है, यहाँ पे क्या पूछा है, प्रश्न को ध्यान से देखिए, रुधिर उत्पादक उत्तक की बात बोल रहा है यानी कि रुधिर का उत्पादन कौन करता है, तो कौन करता है दोस्तों, रुधिर कहाँ बनता है, तो हमारे लंबी अस्थियों में जो खोखला भाग होता है उसमें अस्थि मज्जा होती है, अस्थि मज्जा में रुधिर का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है रुधिर किस प्रकार का उत्तक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और ये गलत नहीं होना चाहिए, तो रुधिर जो होता है एक तरल संयोजी उत्तक है, क्या है, एक तरल संयोजी उत्तक है यानी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट है सीसामायड अस्थि किस समय विकसित होती है, तो दोस्तों सीसामायड अस्थि जो होती है वह कंडरा यानी कि टेंडन में विकसित होता है, ठीक है। सीसामायड जो होता है वो किसमें बनता है, विकसित होता है टेंडन में, ठीक है। जैसे कि दोस्तों ये अस्थियों का वर्गीकरण, जब क्लासिफिकेशन ऑफ बोन पूछेगा आकारों आकृति के आधार पर इसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन या सीसामायड बोन। लॉन्ग बोन में आपका जो लंबी अस्थियां होती है वह लीवर का काम करती है, उत्तोलक का काम करती है हमारे शरीर में, यह हमारे हाथों पैर जैसे कि लंबी लंबी अस्थियां जैसे कि ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टीबिया, फीमुला, ये सब लॉन्ग बोन में आते हैं, और शॉर्ट बोन में हमारी कलाई एंड एंकल जैसे कि हमारे कलाई, टार्सस एंड कार्पस, हमारी कलाई को हड्डियों को कहते हैं कार्पस एंड एंकल की हड्डियों को बोलते हैं टार्सस, ये सब आते हैं। एंड जो फ्लैट बोन होता है, चौड़ी चपटी होती हैं, ये हमारी कपाल की अस्थियां, हमारी पसलियां, हमारा स्केपुला इसमें आता है यानी कंधे की। एंड जो इरेगुलर बोन होती है, बेडोल अव्यवस्थित होती है, हमारे चेहरे की और हमारे रीढ़ की हड्डियां जो है इरेगुलर बोन में आती है, आप ध्यान में रखिएगा। और जो सीसामायड बोन होता है इसको कंडरास्थियां भी बोला जाता है, यह कंडरा में विकसित होती है यानी टेंडन में, ठीक है, और इसमें होने वाली कंडरा यानी कंडरा में विकसित होने वाली, टेंडन में विकसित होने वाली एवं जोड़ों के आसपास गुजरने वाली होती है, जैसे हमारे घुटने, हाथ पैरों में, जैसे इसमें सबसे प्रमुख होती है पटेला जो हमारे घुटने पर होती है। नेक्स्ट है दोस्तों मास्ट कोशिका कहाँ मिलती है, ठीक है, क्या क्वेश्चन है, मास्ट कोशिका कहाँ मिलती है, यह संयोजी उत्तक में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कंडरा यानी टेंडन जोड़ती है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है दोस्तों, आप इसका सही आंसर टिक कर दिए होंगे। तो कंडरा यानी टेंडन किसको जोड़ती है? यह हमारे पेशी को अस्थि से जोड़ती है, ठीक है, एक पेशी से अस्थि से जोड़ती है। नेक्स्ट है पश्चमाभि एपिथिलियम यानी सिलिएटेड एपिथिलियम हमारे शरीर में कहाँ मिलती है? तो यह मिलती है वायुनाल में। नेक्स्ट है एक स्वस्थ मनुष्य के 100 ml रुधिर में यानी 100 ml रुधिर में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। तो दोस्तों यहाँ पे हीमोग्लोबिन की मात्रा 15 ग्राम होती है, बट यहाँ पे 15 ग्राम नहीं दिया है, 14 दिया है, तो 14 सही होगा। यदि 15 दिया होता तो 15 सही होता, ठीक है। नेक्स्ट है रुधिर वाहिनियों में यानी ब्लड वेसल्स में रुधिर किसके कारण जम नहीं पाता दोस्तों? तो हिपेरिन के कारण। जो हिपेरिन होता है हमारे शरीर में रक्त को तरल अवस्था में बनाए रखता है। अगर शरीर में रक्त जम जाएगा तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि रक्त के द्वारा ही जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को हमारे समस्त शरीर में पहुंचाता है। जब हमारा रक्त का प्रसारण नहीं होगा, ब्लड फ्लो नहीं होगा, तो हम कैसे जीवित रहेंगे? तो जो हिपेरिन होता है हमारे शरीर के अंदर ब्लड को तरल अवस्था में बनाकर रखता है। जब हम कट जाते हैं तो वही हिपेरिन प्रभावहीन हो जाता है और जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन यानी कि प्लेटलेट्स होता है वो एक्टिव हो जाता है, हमारा रक्त जम जाता है, जिससे हमारा रक्त शरीर से बाहर नहीं निकलने पाता है। तो यहाँ पे पूछेगा कि जो हमारे शरीर के अंदर या रक्त वाहिनियों में ब्लड को जमने नहीं देता या तरल अवस्था में कौन रखता है? तो हिपेरिन। और कटने के बाद ब्लड को जमने में कौन सहायक होता है? तो थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट्स। और क्या क्या है रक्त जमने में? थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स, फाइब्रोनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ये तीनों क्या करते हैं? ब्लड को जमने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तकों का सूक्ष्मदर्शी अध्ययन कहलाता है या कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी क्या कहलाता है? उत्तकों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों लाल रुधिराणु यानी कि RBC संकुचित हो जाता है यानी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है यदि इसे रखा जाए अति परासारी द्रव में। नेक्स्ट है हानिकारक बैक्टीरिया यानी हार्मफुल बैक्टीरिया वो अन्य विदेशी तत्वों का सफाया कौन करता है? तो दोस्तों हमारे शरीर को प्रतिरक्षा तंत्र का काम करता है यानी रोगाणुओं से बचाता है, बैक्टीरिया से बचाता है श्वेत रुधिराणु, ठीक है, यानी कि फाइगोसाइटोसिस बाई WBC यानी कि श्वेत रुधिराणु के द्वारा आपका हमारे शरीर की हानिकारक बैक्टीरिया से रक्षा करता है WBC, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोथ्रोम्बिन कहाँ होता है? दोस्तों प्रोथ्रोम्बिन जो होता है हमारे रक्त में होता है, बट बनता कहाँ है? यकृत में। ये आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? रुधिर में तथा थक्का जमने में सहायक करता है। प्रोथ्रोम्बिन कहाँ होता है? रुधिर में रहता है बट थक्का जमने में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। लेकिन यह बनता कहाँ है दोस्तों? यह हमारे यकृत यानी कि लीवर में बनता है, ये ध्यान में रखिएगा। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन दोनों बनते हैं आपके यकृत यानी लीवर में, ये ध्यान में रखिएगा, और रहता है रुधिर में। नेक्स्ट है रुधिर किससे मिलकर बना है दोस्तों? तो रुधिर जो है दो चीजों से मिलकर बना है, प्लाज्मा और रुधिराणु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाढ़ी ए पट्टिया यानी कि डार्क ए बैंड व हल्की आई पट्टिया यानी लाइट आई बैंड किसमें होती है? तो दोस्तों डार्क ए बैंड एंड लाइट आई बैंड ये दोनों हमारे ऐच्छिक पेशियों में यानी वॉलेंट्री मसल्स में होती हैं, ठीक है। आई बैंड ए बैंड जो डार्क बैंड होता है इसमें इन दोनों में एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट होता है, जो एक्टिन का मायोसिन फिलामेंट में खिसकने से हमारी पेशियों यानी रेखित पेशियां यानी ऐच्छिक पेशियां जो अस्थियों से जुड़ी होती हैं इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है, संकुचन होता है। नेक्स्ट है दोस्तों श्वान कोशिकाओं का संबंध किससे है? तो श्वान कोशिकाओं का संबंध जो है वह तंत्रिका ऊतक यानी नर्वस टिश्यू से है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, सभी डाउट्स को मैं क्लियर करूंगी। एंड दोस्तों यदि आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।